कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की पुलिस को अब भी तलाश है। पुलिस ने इन बदमाशों से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। आपको बता दें, खनिया थाना निवासी संजीव लोधी ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वे 3 फरवरी को दोपहर 1 बजे अपने साथी आदेश यादव के साथ चमरुआ से समूह का पैसा लेकर झांसी आ रहा था। इस दरमियान रास्ते में हाईवे के किनारे 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बैग छीन लिया, जिसमें 77,000 रुपये और 2 मोबाइल थे। तभी सूचना तंत्र की मदद से शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने आरोपियों को रक्सा की ओर जाने वाले हाईवे पर गिरफ्तार कर लिया। थाने पर तत्काल FIR लिखा गया है और अलग अलग टीम गठित करके उसका खुलासा है तो लगे थे। उसका सफलता प्रेमनगर पुलिस को और SOG टीम को मिली है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 लोग दतिया के रहने वाले हैं और 1 जो है हमारे क्षेत्र बबीना के रहने वाले हैं। और इनके पूछताछ के दौरान 2 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं और वो चमरावा गांव से जो सूचना कलेक्शन की मिली है उसी के आधार पर इन लोगों ने लूट की घटना का अंजाम दिया है। 3 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2